नेक्स्ट कॉलर है इंदौर से कर्नल वर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। आदाब वकील साहब। जय हिंद, स्वागत कर्नल साहब का। सबसे पहले एक बात, एक सवाल तो है मगर एक बात बोलूंगा कि दो दो मेरे हक हैं जिसके लिए आप दुआ करना, वो मुझे मिल जाए। हक की दुआ ही है आपसे मुंतजिर हूँ मैं। और एक सवाल ये है कि जो गुड़ के जो पत्ते होते हैं आप जितने चबाना है, कुछ लोग चबा नहीं सकते हैं, तो क्या इसके टुकड़े करके एक गिलास पानी में ग्राइंडर में घुमा के करें तो वो काम करेगा? वो ये पूछना था खाली आपको, क्योंकि मेरा अकेले का मसला नहीं रहता, मैं चाहता हूँ कि सबको मालूम पड़े जितने भी लोग सुने। ठीक है। अच्छा देखिए, जैसे तो बकरी चबा लेती है, बकरा चबा लेता है, बहरहाल किसी सूरत पाउडर बनाए या ग्राइंडर में, ये एक नया तरीका आपने कहा है, पानी डाल के और खूब घुमा दें तो शायद इसका जूस उसमें शामिल हो जाए, तो फिर उसे इस्तेमाल करें छान कर। वो बड़ा पत्ता कभी कभी हलक में फंस जाता है, तो चाय की छन्नी में छान कर इस्तेमाल कर सकते हैं, और मिकदार आप समझ सकते हैं, क्योंकि पूरा पत्ता तो बारीक नहीं होगा, कुछ तो रह जाएगा, तो उसके हिसाब से मिकदार लें, इसको इससे भी फ़ायदा होना मुमकिन है। और दो हाथ की क्या बात कर रहे थे जी? ये बात मैं भी नहीं समझ पाई हूँ। आप कर्नल वर्मा जी लाइन पे हैं आप? जी हाँ जी हाँ जी। आपका पहला सवाल क्या था सर? वो असीम साहब आपसे ये कह रहा था मैं कि हमारा दो हक ऐसे हैं जो हमें मिल जाए, दुआ करें। दो आप हक ऐसे हैं? हक जी जो हमारे दिल में है, आप दुआ कर दें तो आपकी शायद आसानी हो जाए हमारे को। अच्छा अच्छा अच्छा, जरूर आपको। देखिए आप तो भगवान के पसंदीदा इंसानों में हैं, और मैं दुआ करूंगा कि अगर वो हक आपके हक में बेहतर हो तो भगवान उसको कामयाब कर दे आपको, और आपके हक में अच्छा ना हो तो आपको उससे बचा ले। हमें अपने भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए, जब भी हम कुछ मांगते हैं तो बस मांगते हैं, ए भगवान मुझे ये दे दे, वो दे दे, वो दे दे, लेकिन भगवान तो भगवान है, वो जानता है कि ये मांग तो रहा है मुझसे, जैसे माफ़ कीजिएगा, जैसे मैं गाड़ी मांग रहा हूँ भगवान से, तो हम तो मांग रहे हैं और खुशी आ जाएगी बच्चों के लिए और ये और वो, आपको नहीं कह रहा, तो उसे तो पता है कि ये अगर मैंने इसको गाड़ी दे दी तो एक्सीडेंट ना कर दे, एक्सीडेंट का भी पता रहता है, आगे पीछे का सबका पता रहता है, अगली पिछली नस्लों का पता रहता है भगवान को। तो अगर आपके हक में वो चीज़ें बेहतर हैं तो मैं भगवान से विनती करता हूँ कि हमारे कर्नल वर्मा साहब को मुराद पूरी कर दे। नेक्स्ट कॉलर है दिल्ली से धर्मेंद्र जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। आदाब। एक क्वेश्चन है कि आजकल जैसे बरसात चल रही है और पेट की बहुत सारी बीमारियां चल रही हैं, कभी पेट खराब हो जाता है, और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मैंने बहुत सारी चीजें खा ली अपना वेट कम करने के लिए, मेरा 95 kg वेट है, मेरा वेट कम नहीं हो पा रहा है, और कभी वेट कम के साथ ना होने के कारण कोई ना कोई दूसरी पेट की संबंधित बीमारी चलती रहती, कोई ऐसी चीज है जिससे वेट भी कम हो जाए, और जो आज का जो बरसात का मौसम है अक्सर पेट खराब हो जाता है, जहाँ गैस वगैरह बनती है, उससे छुटकारा मिल सके? हमें एक तो चहलकदमी करनी चाहिए, यानी वॉक करनी जरूरी है पूरे दिन में 1 घंटा, चाहे सुबह शाम आधा आधा घंटा करें या 15-15 मिनट करके 4 बार कर लें, ये इजी है, अगर आप का शरीर ठीक है तो चलना ज़रूर चाहिए। दूसरा, इससे वज़न कम होता है पैदल चलने से भी, हमारी चर्बी जलती है और मोटापा और बुढ़ापा एक सी चीज़ें हैं, इसके कम करने के लिए एक आता है जीरे का सिरका, जीरे का सिरका 2-2 चम्मच पिया करें, गर्म पानी इसके बाद पिया करें, आप देखें कि कितनी तेज़ी से आपका वेट भी लॉस होना चाहिए और पेट भी अच्छा रहना चाहिए। ये जीरे का सिरका 2-3 चम्मच दिन में
दो बार आप पी सकते हैं, खाने से पहले भी, खाने के बाद भी, और डाइट कंट्रोल भी करें ज़रूर। मतलब अगर आप चार रोटी खाते हैं तो दो रोटी खाइए, और अपना खूब ख्याल रखिए। ये चर्बी को भी जलाता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, और पेट का भी, एसिडिटी, कब्ज, ऐसी चीज़ों को भी आसानी से अच्छा करने की ताकत भगवान ने इसमें रखी है। हकीम साहब, अभी तक हमने सुना था कलौंजी का सिरका, जैतून का सिरका, अब आपने इंट्रोड्यूस भी कर दिया है जीरे का सिरका, तो क्या अब इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खाने बनाने में, सालन में? हाँ, देखिए, मैं तो ज़्यादातर नई चीज़ें बताता हूँ जो आम तौर पर लोग जानते नहीं हैं, बल्कि वो हकीमों और से पूछो, वैद्यों से, तो वो कहते हैं ऐसी तो कोई चीज़ आती नहीं है। ये सब वेदों में और उसमें नहीं है, किताबों में नहीं होते। जो भी नुस्खे मैं बताता हूँ वो मेरे अपने तजर्बे से गुजरे हुए होते हैं, और जब बेशुमार लोगों को इससे फ़ायदा पहुँचता है तब मैं इनको आप तक पहुँचाता हूँ। फिर शुरू में तो ये असली मिलते हैं, फिर लोग इसकी नकल बना लेते हैं। जैसे मैं आज इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, अब इसकी डिमांड बढ़ जाएगी और लोग फौरन ही नकली बनाकर मार्केट में डाल देंगे। तो नकली से बचें। कोई भी चीज़, कोई भी रॉ मटेरियल मैं आपको बताऊं तो उसका असली होना शर्त है, आपको फ़ायदा मुमकिन है। महाराष्ट्र से अगले कॉलर सतीश, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी मैडम। जी सतीश जी, बताइए सवाल। जी, मिसेस का हमारे 3 बार इंतजीम हो गया है। जी क्या हो गया? इंतजीम यानी जो बच्चा हुआ है। हाँ बोलिए। तो मिसकैरेज यानी हो गया है। मिसकैरेज हो गया। अच्छा, ठीक है जी। अभी कितनी आयु है इनकी? 35 साल। ठीक। अच्छा देखिए, ऐसे 50-100 ग्राम अश्वगंधा खरीद लें, और 50-100 ग्राम आप कॉर्न मोरिंगा खरीद लें, इनको पाउडर बनाएं और दो चुटकी रोज़ाना रात को उन्हें खिला दिया करें दूध के साथ। और जब वो यानी प्रेगनेंसी हो तो वज़न उठाने का काम ना करें या उछलने कूदने का काम ना करें, और 4 महीने एहतियात करें काम करने से, कूद के ना चलें। जैसे बच्चियां होती हैं, शादी हो गई अब उन्हें वही आदत होती है, तो घर में कोई बुज़ुर्ग हो तो उनको अपनी हिदायत पर काम चलाएं, और बहुत जल्दी उनको साहिब उम्मीद होना मुमकिन है। इंदौर से राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है राजीव जी। हेलो। हाँ जी। हाँ जी बोलिए, प्रश्न करिए अपना। नमस्कार हकीम साहब जी। आदाब राजीव भाई। सर मुझे बहुत टाइम से शरीर बदन की समस्या है। समझे? किस चीज की समस्या है? शरीर बदन। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है जी। शरीर मतलब बहुत, मतलब 10-20 साल से सब दवाइयां ले चुका हूँ लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा जी। ठीक है। तो देखिए, ये आपकी समस्या नहीं है, ज़्यादातर मर्दों को ही आजकल ये समस्या है, नए लड़कों को ये समस्या है, बहुत से रिश्ते ख़राब हो गए हैं, और इसके लिए बाकायदा इलाज कराना चाहिए। और अपनी एक एक बात आप हमारे मेल डॉक्टर से करें और पूरी बात बताएं तो आपको वो पूरा सजेशन देंगे, बाकायदा इलाज कराइए। हमारे हेल्पलाइन नंबर पर डॉक्टर से बात करें, और कोई भी ऐसी समस्या, सेक्सुअल समस्या या औरतों को और मर्दों को भी होती है, तो वो फीमेल डॉक्टर भी हमारे पास बैठे हुए हैं। हम भारत में रहते हैं तो बहुत ज़्यादा खुल के बात नहीं कर पाते, ख़ासतौर पर लाइव प्रोग्राम में, तो आप वो कर लें, और आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे नुस्खे भी हैं, नुस्खा भी बता देता हूँ, लेकिन बेहतर ये कि आप बात कर लें। देखिए, अश्वगंधा 50 ग्राम, अश्वगंधा 50 ग्राम, और 100 ग्राम लीजिए गौंद मोरिंगा सफ़ेद,
और 100 ग्राम लीजिए सफ़ेद मूसली। ये तीन चीज़ों को खूब बारीक पाउडर बना के 2 ग्राम रोज़ाना दूध के साथ लेने से भी आपको फ़ायदा मुमकिन है। दिल्ली से सोनिया हमारे साथ जुड़ गई हैं। सोनिया जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर जी। आदाब सोनिया जी। जी मेरी एज 52 इयर्स है और मुझे काफ़ी सालों से थायराइड है, और अभी कुछ दिनों से मुझे लोअर बैक, मतलब लोअर बैक और थाइस के बीच में काफ़ी स्टिफनेस फील होती है और लोअर बैक में बहुत पेन रहता है। थायराइड भी आपका ठीक हो सकता है और ये मर्ज भी ठीक हो सकता है। इस मर्ज के लिए या तो आप कैप्सूल टी केयर सुबह शाम नाश्ते के बाद ले सकते हैं। गोंद सियाह मिल जाए, एक काला गोंद आता है, जायके में कड़वा होता है और ज़रा संभल के लेना, नकली बहुत होता है। आधा आधा ग्राम अगर आप लेते हैं तो इससे भी आपकी ये परेशानी दूर हो सकती है। थायराइड के लिए देखिए बहुत अच्छा नुस्खा है, आप वो दवा खाते हुए खाएँ और इससे बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है। 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम आंवला, ये सूखा मिलता है सब, और 100 ग्राम मेथी और 100 ग्राम गौंद मोरिंगा सफ़ेद। अच्छा, ये गौंद महंगे आते हैं, सस्ते न लें, बस असली लें। गौंद मोरिंगा जो लें वो सफ़ेद वाला लें, लाल वाला ना हो। ये पाउडर बना के आप एक एक चम्मच सुबह शाम पानी के साथ लें, वो दवा भी लेते रहें जो आप लेते हैं, और आप देखेंगे कि हर महीने आपकी थायराइड की गोली की प्रोटेंसी कम करेंगे डॉक्टर। आप भी अपनी रिपोर्ट पुरानी और नई देख सकते हैं, बहुत तेज़ी से फ़ायदा होता है, फिर भी 6-7 महीने लग सकते हैं। दिल्ली से ही अगली कॉलर हैं संध्या। स्वागत है संध्या जी आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार, बोलिए। हकीम साहब से बात करें। जी आदाब, बताइए। हकीम साहब, मेरे आदमी हैं 72 साल के, उनको कंपन है और टांगों में चलने की हिम्मत नहीं है, वीकनेस बहुत आ रही है और ज्यादा इसमें भी कमी आ रही है। जी जी। हाँ देखिए, इस उम्र में ऐसे ही उनका ख्याल रखिए, और कंपन में भी कमी आ सकती है लेकिन कमज़ोरी तो दूर हो सकती है। अगर ये कमज़ोरी की वजह से कंपन है तो उनको फ़ायदा हो सकता है। माजून आर केयर सुबह शाम एक एक चम्मच गर्म पानी से खिलाएं और दिन में 5 मरतबा गर्म पानी पिएं, और अगर 1 महीने फ़ायदा हो जाए तो 5 महीने तक इलाज करें तो उनको फ़ायदा होना मुमकिन। राजस्थान से गिगराज जी हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार, बोलिए। सर हम राजस्थान के रहने वाले हैं। ठीक है जी। सर मुझे कब्ज की बीमारी बहुत लंबे समय से चल रही है। कितने साल से? 3-4 साल में, मेरे को तो अब जा करके कुछ ज्यादा रहती है। ठीक। देखिए कब्ज़ का बड़ा अच्छा इलाज है, आप समझ लें अगर और लिख लें तो बहुत अच्छा है। सौंफ, मेथी, धनिया, आंवला 200 ग्राम लें। फिर से बोलता हूँ, सौंफ, मेथी, धनिया, आंवला, ये सब सूखा मिलता है, 200 ग्राम लें, पाउडर बना लें। और एक चीज़ मिलती है कलौंजी का नमक, कलौंजी जो किचन में होती है इसका रसायन को कलौंजी का नमक कहते हैं, जो जायके में नमकीन नहीं होता लेकिन देखने में नमक जैसा होता है। ये 100 या 150 ग्राम ले लें और इसमें मिला दें पाउडर में, और आधा आधा चम्मच 2 या 3 बार दिन में खा सकते हैं आप। देखिए फ़ायदा तो आपको ऐसा लगेगा 2-4 दिन में ही हो गया, लेकिन ये पूरा मटेरियल ख़त्म करेंगे तो आप रोग मुक्त हो सकते हैं। हमारे साथ रीना जी हैं दिल्ली से। स्वागत है आपका। हाँ मैम नमस्ते। नमस्कार। मुझे थोड़ा डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी रीना जी आदाब, बताइए क्या सवाल है। नमस्ते डॉक्टर साहब, हमको आज कम से कम 10 साल हो गया, 2010 से ही ये प्रॉब्लम है। मेरे पूरे ज्वाइंट में, डॉक्टर साहब दर्द रहता है और पूरी दिन हमको ऐसे लगता है ना कि फीवर है, अब बहुत कमजोरी महसूस होती है, मेरे बिल्कुल चलने का मन नहीं करता है ना, कुछ ऐसे अजीब जैसे मेरा एकदम बैठे बैठे सुस्ती जैसे, 5 मिनट भी खड़ा होती हूँ डॉक्टर साहब
तो मैं बिल्कुल ऐसे मेरे एकदम घबराहट जैसे एकदम सुस्ती आ जाती है, एकदम मन ही नहीं करता कुछ करने को। आयु कितनी है आपकी? हमारी उम्र है 54 साल। ठीक है। अच्छा देखिए, बहुत इलाज भी कराए होंगे, सारे इलाज कराए होंगे, लेकिन एक इलाज ऐसा भी है जिससे ये रोग जा सकता है। और इलाज आप समझ लीजिए कि आप ऐसे 500-600 ग्राम अलसी लें, अलसी, और इसको पाउडर हल्का सा भून कर पाउडर बना के रख लें। और या तो आपको गोंद स्याह मिल जाए असली, इसमें नकली बहुत आता है, कड़वा गोंद होता है, काला रंग का गोंद होता है, थोड़ा ब्राउनिश होता है, ये नकली बहुत मिलता है, तो असली ले लें। और देखिए 100-150 ग्राम भी आपको मिल गया ना, 100-200 ग्राम भी, तो इसको अलग से पाउडर बना के रख लें। 1 चम्मच रोज़ाना अलसी का पाउडर खाएं, इसमें 1 चुटकी या 2 चुटकी गोंद स्याह मिलाकर खाएं सुबह और शाम, और ये ख़त्म होने से पहले आपको रोग मुक्त कर सकता है। या फिर अलसी तो आपको खानी ही खानी है, अलसी खाएं, गोंद स्याह अगर नहीं मिले या नकली मिले तो कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, कैप्सूल टी केयर सुबह शाम 1 चम्मच अलसी के साथ ज़रूर खाएं। 5 से 10 दिन के बाद थोड़ा सा फ़ायदा शुरू होगा, थोड़ा सब्र करना, क्योंकि ये दर्द की दवा नहीं है, आपके मर्ज की दवा है। दर्द की दवाएँ तो आपने बहुत खा ली, आप इसे कोशिश करिए, मुझे उम्मीद है आपको रोग मुक्त होना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट कॉलर से, स्वागत है आपका। संजय जी स्वागत है आपका। हाँ। कहाँ से बात कर रहे हैं? नागपुर से बात कर रहा हूँ। आपका सवाल? सवाल ये है कि 6 साल हो गए शादी को। ठीक है, आगे। और डॉक्टर के पास हम लोग गए थे, डॉक्टर ने बोला कि जो ट्यूब है गर्भ की वो बंद है करके बोला है। ठीक है, तो आपके पास के दवा से हो सकता है क्या? हाँ, देखिए दो ट्यूब होती हैं, एक बंद होती तो एक खुली रहती है, और दवाओं से भी इसको फायदा हो सकता है। एक नुस्खा मैं बता देता हूँ, वो आपको मिल जाए तो उसे इस्तेमाल करें। एलोवेरा आप जानते हैं, एलोवेरा का जूस लोग अक्सर पीते हैं, एलोवेरा बहुत तरह से इस्तेमाल होती है। एलोवेरा का सिरका आता है, विनेगर आता है, एलोवेरा का सिरका समझ लीजिए, ये आप 2 या 3 चम्मच लीजिए, एक गिलास में डालिए, उसमें 1 चुटकी खाने का सोडा, खाने वाला सोडा डालिए, इसमें से एकदम झाग से उठेंगे, झाग उठने दीजिए, फिर जब ये शांत हो जाए तो इसमें पानी भर के गिलास में रोज़ाना अपनी पत्नी को पिला दिया करिए, मुझे उम्मीद है उनसे फायदा मुमकिन है। कॉलर मुंबई से अक्षय, स्वागत है अक्षय जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी डॉक्टर साहब। हेलो जी, जी अक्षय साहब। हाँ जी, मुझे भूख नहीं लगती है दिन में। कब से ये दिक्कत है आपको? 1 साल हो गया। 1 साल से। आपकी एज क्या है? मेरी एज 25। ठीक है जी। हाँ देखिए, मेथी, सौंठ, आंवला, धनिया 200-200 ग्राम लीजिए। मेथी, सौंठ, आंवला, धनिया 200-200 ग्राम लीजिए, और इसको पाउडर बना लीजिए, और इसमें नमक आता है कलौंजी का, कलौंजी का रसायन भी कहते हैं इसे, कलौंजी का रसायन या कलौंजी का नमक या एस्टेक कलौंजी, ये देखने में नमक जैसा होता है लेकिन जायके में नमक जैसा नहीं होता, नमकीन नहीं होता, इसमें मिलाइए और पाउडर बनाइए, और आधा आधा चम्मच सुबह शाम खाने से पहले खाना शुरू करें, और ये ख़त्म होते होते आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। भोपाल से अगले कॉलर राम सुंदर, स्वागत है आपका। हाँ, मेरे ये पैर दुखते हैं। पैर दुखते हैं आपके बहुत ज्यादा जी? एज क्या है आपकी? कमर भी बहुत दुखता है। एज क्या है आपकी? 70-60 है जी। अच्छा देखिए, एक बहुत मशहूर नुस्खा जिससे करोड़ों लोगों ने फायदा उठाया,
वो है गोंद स्याह, एक काला गोंद है जो किस्मत वालों को मिलता है बड़ी मुश्किल से, असली, नकली तो बहुत मिलता है, असली गोंद है। तो ये अगर आपको 100-200 ग्राम मिल जाए असली, तो आधा आधा ग्राम सुबह शाम नाश्ते के पश्चात बगैर चर्बी के दूध से, पानी से या जूस से आप खाना शुरू करें, और इससे आपको फ़ायदा मुमकिन है। अगर ये नकली मिले, नहीं मिले, मुश्किल से मिले, तो आप कैप्सूल टी केयर ले सकते हैं, टी फॉर टाइगर। ये आप कई महीने तक अगर इस्तेमाल करें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है।